अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली बिल्कुल ठीक है जी। आज का ब्लॉग होता है स्टार्ट यहीं से। आज मैं आपको दिखाऊंगी अपनी ज्वेलरी कलेक्शंस का, मेरे पास क्या है क्या नहीं है और सब आपके सामने ही करूँगी। और मतलब आप लोग देखिएगा और मुझे बताइएगा आप लोगों को क्या पसंद आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, आमीन। इसको मैं खोलती हूँ, सामने ही खोलती हूँ। देखिए कैसे चमक रहे हैं। यहाँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये वाले टॉप्स, देखिए मल्टी कलर के हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। देखिए बिल्कुल अभी रोटियाँ पका कर आई थी, आटा देख के लग रहा होगा। देखिए अच्छे लग रहे हैं, हर कपड़ों के साथ चल जाएंगे ये देखिए कैसे लश्कारे मार रहे हैं ये। जो लड़कियां पहनती हैं उनको पता होगा कि ज्वेलरी क्या होती है, वरना अमियां तो समझती हैं कि बस फजूल खर्ची है, ये क्या तुम लोग लेते रहते हो। देखिए साथ साथ पेयर भी बनाती रहती हूँ ताकि इजीली आप देख सकें जब मैं इसको एक साथ रिव्यू शेयर करूँ इसका। देखिए आपको रिंग देख के पता लग रहा होगा कि अभी इस्तेमाल भी नहीं की है, इस पर टैग लगा हुआ है। देखिए दूर से दिखाती हूँ, देखिए आप बताएं कैसी लग रही है। आप लोगों को कैसी ज्वेलरी पसंद है? बहुत ज़्यादा मतलब जो है हैवी ज्वेलरी पसंद है, लाइट ज्वेलरी पसंद है? अच्छा ये है एक ब्रेसलेट, ये बिल्कुल गोल्डन है, ये आपको ऐसे लग रहा होगा लाइट्स की रोशनी में। देखिए कैसे लश्कारे मार रहा है, ये बहुत अच्छा लगता है पहना वाना। तो देखिए बताइए ऐसे लग रहा है जैसे गोल्ड का, पर गोल्ड का बिल्कुल भी नहीं है। देखिए अभी आप लोग को सिल्वर लग रहा होगा, मैं फ्लैश लाइट ऑफ करती हूँ फिर देखिएगा। देखें अच्छा जी, ये देखिए रिंग्स पहनने के बाद बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ये काली हो जाती हैं तो बहुत दुख होता है कि यार अभी तो इतना इस्तेमाल भी नहीं किया था, देखिए कि काली हो गई हैं ये। स्टोन्स वाली रिंग्स तो मेरी सिस्टर्स को तो बहुत पसंद है, उनके पास हर तरह का स्टोन है, यानी मतलब हर कलर का स्टोन है, ब्लैक है, ब्लू है, पर्पल है, ब्राउन है, हर कलर का उनके पास पड़ा हुआ है जी। ये ब्रेसलेट है, आपको मैं दिखाती हूँ, देखें कितना प्यारा लग रहा है और आप लोग मुझे बताइएगा कैसा लगेगा। ये नाजुक हाथों में ही अच्छे लगते हैं, ये नाजुक चीज़ें, तो आप लोग बताएं कैसे लग रहा है। मेरी एक सिस्टर्स को ना ये बॉल वाले बहुत पसंद है, उनके पास ये हर कलर के पड़े। अच्छा इसके साइज़ होते हैं ना मुख्तलिफ, मैं आपको इस पे रख के दिखाती हूँ, इसके साइज़ होते हैं ना मुख्तलिफ, उनके पास हर साइज़ पड़ा हुआ है और हर कलर के पड़े हुए हैं, लेकिन अब तो वो ले गई हैं। देखिए वो जो आपको पहले मैंने दिखाई थी वो गोल्डन में थी और ये सिल्वर में, अरे काश ये सब गोल्ड में होता तो क्या ही बात होती। अच्छा जी उसके बाद आते हैं ये कलर, ये कलर के ड्रेस भी बहुत अच्छा लगता है और ये भी बहुत प्यारी लग रही है। देखिए 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 कैसे लग रहा है, आप लोग बताएं आप लोगों को स्टोन वाली कैसी लगती हैं। अच्छा जी उसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, और ये मैं इसको देख रही ना, इसको साथ ही साथ जो है ना बंद भी करती रहती हूँ, वरना बहुत सारा सामान एक साथ जमा हो जाएगा रखने के लिए। तो
फिर रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक हाथ से वीडियो बनाओ और एक हाथ से सारे काम करो, तो इज अ ट्रेजर बॉक्स। अच्छा जी, कुछ कपड़ों के पीछे कुछ ऐसी ऐसी कहानियाँ होती हैं जो हम किसी को बता नहीं सकते। देखिए कैसा लग रहा है आपको, खोला भी नहीं है ये मैंने, रियल में तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। क्या मैं लेकर आई थी अपने भाई की शादी के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे जो है ना ब्लैक में ड्रेस ही नहीं मिला। मैं मतलब अच्छा पसंद वाला नहीं मिला जिस तरह का मुझे चाहिए था, और ये मैंने पहले ले लिया था, चारा पहले ले आई थी यानी, और बकरा बाद में ढूंढने गई थी तो मिला ही नहीं। तो फिर मेरे को बहुत अफसोस हुआ, मैंने बहुत ढूंढा पर मुझे नहीं मिला अच्छा ब्लैक, यानी अच्छा काम वाला, जो मतलब पता लगता पहना है दूल्हन की बहन, दूल्हे की बहन ने, लेकिन मुझे नहीं मिला, फिर मैंने इस्तेमाल भी नहीं किया। देखिए आप लोग बताएं कैसा लग रहा है, खोला भी नहीं है, बहुत प्यारा सेट है ये, और रीज़नेबल प्राइस में, कहेंगे तो प्राइस भी शेयर कर दूंगी। अच्छा जी, उसके बाद देखिए मैं आपके सामने ही खोलती हूँ, ये मैंने अपनी बहन की शादी पे पहना था, सीधा रखती हूँ जी। देखिए इसके साथ टॉप्स भी थे पर पता नहीं ना जाने कहाँ रख दिए, अब मिल ही नहीं रहे मुझे। टॉप्स थे, झुमकियाँ नहीं थी, बड़े बड़े नहीं थे, सिर्फ टॉप्स थे, यानी छोटे से एक रेड नग लगा हुआ था बस उसमें, और वो बहुत प्यारा लग रहा था, क्योंकि मुझे इतनी ख़ास हैवी ज्वेलरी पहनने का कोई शौक नहीं है इसलिए। अच्छा जी, ये मैं सारा निकालती हूँ इसमें से, वन ऑफ माई बेस्ट माला जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और यकीन माने मैं इसकी प्राइस आपके साथ खुद शेयर करती हूँ। इसके क्रिस्टल जो हैं आपको दिख रहे होंगे कि बहुत शाइनिंग वाले हैं, ठीक है, यहाँ मैं रखती हूँ फिर आपको पता लगेगा, क्रिस्टल बहुत शाइनिंग वाले हैं, सही है ना। कितने की ली थी आप अंदाज़ा आप अपने अंदाजे से बताएं, और मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कितने की ली थी। अच्छा जी, उसके बाद देखिए ये है बिंदिया, आप लोग टीका कहते हैं, पता नहीं बिंदिया कहते हैं, नहीं ये बिंदिया नहीं है, अल्लाह जाने, ये बिंदिया है, ये इसके इयररिंग है, इसका दूसरा इयररिंग उस बॉक्स में ही रह गया मैं जहाँ से निकाल रखे हुए था, जहाँ ये बिंदिया है, और ये इसका इयररिंग है, ये भी मैंने अपने भाई की शादी पे ही पहने थे, ये रिंग है, इसका ग्लासेस थोड़ा सा मैं अलग, देखिए और ये भी रिंग है जी। यहाँ हैं कुछ टॉप्स जो मैंने आपको बताए थे, ये मैं आपको सिर्फ ऐसे ही दिखा देती हूँ, देखिए हर कलर में हैं ये, ये क्रीम में है, ये बस इसी तरीके से आप अंदाज़ा कर लें कि ये हर कलर ही तकरीबन पड़ा हुआ है, कुछ यहाँ आगे पीछे होंगे जो हो गए होंगे, बाकी हर कलर ये पड़ा हुआ है, ठीक है। ये भी मैं बंद करती हूँ, आपके सामने खोती हूँ, देखिए स्टोन वाली रिंग का मैंने आपसे कहा था, ये भी झुमकियाँ हैं, लड़कियों का पसंदीदा मशगला ज्वेलरी बॉक्स खोल के देखना और सोचना कब और कहाँ पहना था हमने ये, ब्लैक रिंग्स, ब्लैक स्टोन है ये, ये भी झुमकियाँ हैं, कहेंगे तो मैं आपको खोल के दिखा दूंगी रिंग्स। रिंग्स तो बहुत सारे लोग वैसे भी पहन लेते घरों में, चलिए जी मैं आपको साथ साथ जल्दी दिखाती हूँ। देखिए ये डबल फिंगर रिंग होती है जो दो पहनते हैं, ठीक है,
देखिए कैसी लश लश कर रही है ये भी डबल फिंगर रिंग है। देखिए मलंगों वाली रिंग्स बहुत है मेरे पास। देखिए मल्टी कलर हर किसी के साथ चल जाएगा, सबसे अच्छी बात यही होती है इनकी। ये भी रिंग है। अच्छा जी इसके बाद ये पाजेपे हैं, पायल जिसे कहते हैं आप लोग। यहाँ से दिखाती हूँ फिर आपको पता लगेगा कैसी लग रही है। देखिए ये सिल्वर पे है और बहुत खूबसूरत लग रही है। ये देखिए गोल्डन में है, ये बिल्कुल मैसी हो रहा है, ये मैं इसमें से नहीं निकाल रही हूँ। आप कमेंट्स करेंगे तो दिखाऊंगी, ठीक है। देखिए ये रिंग्स, ये भी इसके अंदर पैक है, यानी अभी ये यूज़ में नहीं हुई है तो इसे मैं खोल भी नहीं रही हूँ। देखिए हाँ आप लोग को अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कहाँ से मिलते हैं, चेस वैल्यू, क्योंकि ये वहाँ तो बहुत कॉमन है। आपको यहाँ ना कहीं मिल रहा हो, आप चेस वैल्यू पहुँच जाए वहाँ देखिएगा जगह जगह पड़े हुए होंगे। देखिए चेस वैल्यू 99 रुपीस। मल्टी कलर का ये फायदा होता है हर चीज़ पे चल जाते हैं, हर ड्रेस पे चल ही जाते हैं। खुशी होती है कि एक ही दफ़ा में फ़ायदेमंद चीज़ ले ली है। लॉकेट इस पे लिखा हुआ है लव। ये भी चेस वैल्यू से ही लिया हुआ है। यहाँ तो पोनिया ही है। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाती हूँ, ये पाजेपे आपने देखनी, इसको मैं अभी साइड पे करती हूँ। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ जो मेरे पास पड़ी हुई है। वो जो आपसे मैंने अभी कहा था ना, उसका देखिए एक यहाँ आ गया। और जो मैंने अभी आपको रेड सेट दिखाया था नेकलेस, उसके साथ इस तरह के जो है ना, ये ब्लैक में है ना, इस उसका स्टोन यहाँ जो है ना रेड था, बाकी सेम एज इट वैसे ही था। बहुत अच्छा लग रहा था वो भी। देखिए ये ब्लैक का है, देखें ये वाली रिंग्स भी बहुत इन थी, पता नहीं अब हैं कि नहीं है, लेकिन पहले तो बहुत थी, क्योंकि आपको पता है ज्वेलरी भी आज चलती रहती है, तो फिर इसी वजह से। हाँ हाँ ये देखिए ये क्या है, ये नोज पिन है, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, ये मैं लेकर आई थी। लेकिन अब जाहिर सी बात है घर वालों में से, अपने घर में से किसी की शादी होती है तो बंदा पहन लेता है, वरना बाहर की शादियों में तो ऐसा फैशन बहुत लगता है कि इतना अजीब सा कि यार क्या हो गया, दूसरों की शादी में अब्दुल्ला बेगाना। तो फिर ये मैंने पहनी थी, लेकिन बहुत दुख रहा था नाक, क्योंकि नाक तो सीधा हुआ नहीं है, तो फिर ये बहुत दुख रहा था। लेकिन सब कह रहे थे बहुत अच्छी लग रही है। अब पता नहीं वो झूठ कह रहे थे कि सच कह रहे थे, इसका तो अंदाज़ा नहीं है, लेकिन कहने वाले कह रहे थे कि अच्छे लग रहा है। इस बारे में भी सोचते हैं कि नाक छिदवाया जाए या नहीं। और ये मैंने अपने भाई की मेहंदी भी पहने थे, देखिए ऐसे रख के दिखाती हूँ ना, फिर आपको सही नज़र आएंगे। आप लोग बताइएगा आज का व्लॉग कैसा लगा, और प्लीज़ मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरे पास और भी ज्वेलरी है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं दिखाऊंगी, लेकिन आप लोग को उसके लिए कमेंट्स करना पड़ेगा मुझे। और प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें।
ताकि हमारी फैमिली बड़ी हो। और उम्मीद करती हूँ आप सब मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि मैं आप लोग से दरख्वास्त करती हूँ कि भाई आप मेरे लिए दुआ करें, तो प्लीज़ फिर करें। ये आपका फ़र्ज, आपको मैं अपना एक काम सौंप रही हूँ कि भाई आपने मेरे लिए दुआ करनी है, तो प्लीज़ इसका मतलब है कि आपको करना चाहिए। कोई क्या पता आपकी दुआओं से मेरा कोई काम बन जाए, तो प्लीज़ दुआओं में लाजमी याद रखा करें। और मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर है, अपने अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे नए व्लॉग में, नए तरीके से नई चीज़ें लेकर आएंगे। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।